जो अपने सिंगला जी ने प्रेरणा संस्थान की तरफ से बीडम थाना के पशु चिकित्सालय में पौधारोपण जो किया, उसका मैं सिंगला साहब का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने समय में से कीमती समय निकालकर और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर के दिन आज जो 10-12 पौधे 20 पौधे यहाँ लगाए, उन पौधों से इस गांव को ही नहीं पूरे वातावरण में जो ऑक्सीजन का सैलाब फैलेगा, तो उस ऑक्सीजन से जो मनुष्य इस ऑक्सीजन को लेंगे वो सभी अपने सिंगला साहब को धन्यवाद देंगे। और हम आगे भी सिंगला साहब से यही प्रार्थना करेंगे कि सिंगला साहब, जो ये शुभ का कार्य आपने किया, ये बड़ा अच्छा किया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और आपकी स्वास्थ्य लाभ आपको परमात्मा देता रहे, ताकि आप इस प्रकार के कार्य करते रहें। जो हमारे साथ आज सिरसमा से केवल कृष्ण जी, जो प्रेरणा संस्था के एक मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे इस पर्यावरण में, हमारे गांव बीड़म थाना में जो सहयोग कर रहे हैं, उनका भी मैं बड़ा आभारी हूं। और उनके भाई हमारे लेक्चरर साहब भाइयों के, उनसे भी मैं बड़ा उनका भी आभारी हूं, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, और आज लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परोपकाराय फलंते वृक्षाः। वृक्ष जो है परोपकार के लिए, और सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। आज प्रेरणा एवं वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम के तत्वावधान में गांव बीड़म थाना के पशु चिकित्सालय में आज पौधारोपण अभियान चलाया गया। आज विशेष रूप से यह पौधारोपण अभियान श्री जय भगवान सिंगला जी की आज वैवाहिक वर्षगांठ है, इस अवसर पर विशेष रूप से यह अभियान चलाया गया। आज यहाँ पर उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया था 108 रुद्राक्ष के पौधे लगाने का, आज 89 पौधे उनके करकमलों से लगाए जा चुके हैं। और आज इस परिसर में डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, जो यहाँ पशु चिकित्सालय जिनके अंतर्गत आता है, तो उनके मार्गदर्शन में जो है यहाँ 11 पौधे लगाए गए, जिसमें अमलतास है और आपके डेक के पौधे हैं, अमरूद है, इस प्रकार से 11 पौधे आज लगाए गए। आज जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने एक जो भयावह उससे वातावरण बना हुआ है, और जिस प्रकार हम पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, आज पौधे उसका निवारण है, क्योंकि पौधों को देवता इसलिए कहा जाता है कि ये जीवन देते हैं, और जीवनदायिनी प्राणवायु के देने जो दें, उनका उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और पौधे लगाने चाहिए। जितने अधिक पौधे लगाएंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा, और वातावरण शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से बीमारियां कटेंगी। और आज के इस वातावरण में मैं ये कहूँगा कि बाहर जाओ, मास्क लगाओ।